हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछली वाली वीडियो में ये बोला था और ये रूम अभी ऐसे ऐसे सेट होगा, रुको ज़रा सब्र करो। तो आज वो दिन है। तो आई थिंक शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सेटअप का क्या सीन है। तो ये जो रूम है, ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है और एज़ यू ऑल नो, जो लोग रिलेट कर पाएँ उनको ये बात समझ आ जाएगी कि जो घर का ड्राइंग रूम होता है ज़्यादातर घरों में एक तरह से शोपीस होता है, जो जब मेहमान आता है सिर्फ उनके लिए यूज़ होता है। इस चीज़ को मैंने अपने एडवांटेज में लेते हुए इस रूम को मैंने अपना वर्क स्पेस बनाया था ताकि मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से काम कर सकूं। मगर उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जब आप ड्राइंग रूम में अपना सेटअप करते हैं, एक तो आपको क्लीन रखना पड़ता है ताकि घर वालों से बातें ना सुननी पड़ें, और सेटअप करके फिर वापस हर चीज़ उसकी जगह पर रखनी पड़ती है। तो जो मेरा पिछला वाला सेटअप था वो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा मैसी था। मुझे सिर्फ सेटअप करने में ही 1 से 1.5 घंटा लगता था क्योंकि मेरे पास लाइट स्टैंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं थी। मेरे पास खाली सॉफ्टबॉक्स था जो मैं 200 रुपये वाली लाइट से पावर करता था, और ये जो सोफ़ा दिख रहा है इसके एच पे रख के, और इसकी जो टेबल थी वो भी बहुत मैसी रहती थी। तो उसके लिए ये न्यू डेस्क, ये बड़ी इसलिए है ताकि फ्यूचर में अगर मेरे भाई और मुझे काम करना हो साथ, तो एक साइड पर वो कर सके और एक साइड पर मैं कर सकूँ। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, मैंने एक लाइट भी ली है और ये लाइट मैंने बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के ली है क्योंकि ये 4 बल्ब होल्डर वाली जो लाइट आती है वो है। तो आई एम स्टडिंग फिल्म मेकिंग, एक तो इसमें होल्डर है तो अगर ये होल्डर ख़राब होते हैं तो मैं इसको सही करा सकता हूँ, और इसकी जो लाइट सोर्स है वो बल्ब हैं जो हमारे घरों में लगते हैं, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे हिसाब से सबसे वर्थ द मनी ये वाली मुझे लाइट लगी थी। अच्छा, बट इसकी जो एक बुराई है वो ये है कि इसका जो डिफ्यूजन का जो कपड़ा है आगे वाला वो बहुत लो क्वालिटी वाला है। तो मेरे पास जो पुराना सॉफ्ट बॉक्स था वो अच्छी क्वालिटी वाला था बट पुराना था वो बहुत, तो उसका जो फैब्रिक था वो मैंने इस लाइट के अंदर लगाया हुआ है बल्ब की साइड, और आगे मेन पे वो लो क्वालिटी वाला डिफ्यूजन भी लगा हुआ है ताकि ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो लाइट। तो दूसरा, मैंने इसके साथ स्टैंड भी लिया था जो कि लो क्वालिटी वाला है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, बट इस लाइट के लिए इनफ है। तो अब मुझे सेटअप करने में आसानी है, मैं बस इसको प्लग एंड प्ले वाला सीन है। जो वो टाइम था जो मुझे सेटअप करने में लगता था वो मैं बैठूं और वीडियो पे लगाऊं। तो ये था सारा प्रोसेस इसका। और एक और चीज़, तो अगर आप यहाँ से ये नीचे आते हैं, ये सारा ऑर्गेनाइज करना है अभी क्योंकि फिर घर वालों से बातें सुनने को मिलेंगी। और ये है वो लाइट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये, और ये इसका स्टैंड है, और ये मेरा पूरा रूम है जहाँ पर मैं ज़्यादातर अपनी सारी वीडियोस शूट करता हूँ। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और वीडियो एंड होने से पहले एक छोटी सी बात और बहुत ज़रूरी बात कि ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसमें हर चीज़ में बहुत सोच समझ के और बहुत मेहनत से आई हैं। तो नज़र लगाने से पहले एक दफ़ा माशाल्लाह भी बोल दिएगा। इसमें जो ये पीटर मैकिनन वाली जो वाइब है ना, ये चाहिए थी बस। और ये हेयर कट भी हो चुका है, न्यू सेटअप, न्यू मी, एंड आई होप अब न्यू वीडियोज़ भी आएंगी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। तो See you.